हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आसाम पुलिस ने 5494 सिपाही पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। जी हां, असम पुलिस ने बड़े पैमाने पर सिपाही पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 5000 से ज्यादा सिपाही पदों पर भर्ती होनी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 जून 2018। और आइए अब आपको इस भर्ती का विवरण संक्षिप्त में दे देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, असम पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर सिपाही के पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन ऑनलाइन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया बुधवार 2 मई से शुरू हो चुकी है और 2 जून को समाप्त होगी। भर्तियां 5494 पदों पर होनी है। तो वहीं चयनित उम्मीदवारों का पे स्केल 14,000 से लेकर 49,000 रुपए होगा। साथ ही साथ 5,600 रुपए का ग्रेड पे भी मिलेगा। आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। 5494 में से सशस्त्र बलों के 3643 और गैर सशस्त्र बलों के 1851 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास गैर सशस्त्र बल होना अनिवार्य है। वहीं सशस्त्र बलों के लिए आवेदक का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आयु सीमा भी निर्धारित है। इन पदों पर सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट भी मिलेगी। SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष और OBC/MOBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदन करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं चुकानी होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET के आधार पर होगा। नौकरी के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चलिए अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि आपको किस तरह से आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है assampolice.government.in, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद होम पेज पर एडवर्टीजमेंट नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर 5494 कांस्टेबल के लिए एक विकल्प चुनना होगा और उस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद नई विंडो में फिर से अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून 2018 है, इसलिए आपको आवेदन 2 जून तक या फिर उससे पहले पहले करना होगा। फिलहाल के लिए इस भर्ती में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाले और भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट का। इसी के साथ सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल।